तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत के पचरूखी आदिवासी टोला का चापानल खराब होने के कारण गांव के लोग पचरूखी दीवन ज्योत नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। खराब चापानल की मरम्मती के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई अधिकारी आ गया। इस संबंध में गांव की बुजुर्ग महिला दासनी बास्के ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व चापानल लगाया गया था। बताया कि 1 वर्ष तक ठीक से काम करने के बाद से चापानल खराब पड़ा है। वार्ड सदस्य द्वारा पीएचडी विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन चापानल मरम्मती नहीं हो सकी। तीसरी प्रखंड में इसी तरह का बहुत जगह पानी की समस्या है। वहीं अब तक जमुनिया टांड में पानी की सुविधा नहीं हुई है। पचरुखी की सुशीला हसन दास, सोनाली सोरेन, विनोद टुडू, खुशबू टुडू, रसोई टुडू ने कहा कि गाँव से करीब 0.5 किलोमीटर दूर स्थित पचरुखी दीवन ज्योत नदी से पीने योग्य पानी लाते हैं। यहाँ के ग्रामीण वर्षा ऋतु में नदी के बहाव वाला पानी पीने पर विवश हैं। इस वजह से उनके बच्चे और बड़े हर समय सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित रहते हैं। इस संबंध में पीएचडी विभाग के मिस्त्री एतवारी मंडल ने बताया उन्हें चापानल खराब होने की कोई जानकारी नहीं थी। वे चापानल की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग को देंगे। कहा कि विभाग से निर्देश मिलने के बाद चापानल की मरम्मती की जाएगी। खतपोक पंचायत के मुखिया मीना देवी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा जल्द ही चापानल का मरम्मत कराकर लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कब से खराब है चापाकल? ये चापाकल 1 साल से खराब है। तो यहाँ पे एक चापाकल भी नहीं है? एक अभी तो नहीं है, यही था जो खराब है 1 साल से। तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी पीते हैं कुआं है, इधर आगे तरफ नदी तरह से। तो नदी के पार जाना पड़ता है? हाँ। अच्छा।